हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमॉन रेडिकल रेड रैंडमाइजर वर्जन। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको मेरे स्टोरी में बता दिया था कि मेरे से गलती से रेडिकल रेड का गेम या फिर जो भी आप लोग बोल सकते हो फाइल डिलीट हो गई थी। एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि इस गेम को हम लोग इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे, मेरे को इसको कंप्लीट करके रहना है। सो दैट्स व्हाई मैंने इस गेम को फिर से डाउनलोड किया। एंड जब मैंने इसको फिर से डाउनलोड किया गूगल से, एंड जब मैंने इसको मेरे माई बॉय में ओपन किया, तब और मेरी सारी सेव फाइल्स रिटर्न आ चुकी थी। वो आई गेस मुझे पता चला यहाँ पे क्या हुआ था। मैंने आपको बताया था कि मेरा गेम का जो रोम फाइल है वो डिलीट हो गया है, बट इसकी जो सेव फाइल होती है जो कि माई बॉय के आई गेस फोल्डर में मतलब सुरक्षित थी, एंड जब मैंने फिर से गेम को डाउनलोड किया मतलब रोम फाइल को, तब वो लोग आई गेस कुछ तो कनेक्शन हुआ उनका। एंड जब भी मैंने मतलब ओपन किया माई बॉय में फर्स्ट टाइम, तो ये मतलब जहाँ पर मैंने लास्ट टाइम सेव किया था वो सेव फाइल वहीं से खुली। एंड उससे मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश था गाइस, क्योंकि अगर ये नहीं होता ना गाइस, तो मेरे को फिर से रिटर्न एक नया गेम स्टार्ट करना पड़ता एंड इतना ग्राइंड करना पड़ता जो कि बहुत टाइम लेता। बट यार मतलब काफ़ी अच्छी बात है कि ये सब मुझे नहीं करना पड़ा। मतलब मेरा तो मतलब जस्ट लाइक दिन बन गया था उस टाइम पर, और बस मैं यही बताना चाहता था। एंड तो वही मतलब लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एल्टी सर्च को हरा दिया था। उसके बाद मैंने जैस्मिन को हराने का, जैस्मिन नहीं यार, उस लड़की का विटनी आई गेस नाम है उसका, विटनी को हराने का ना ट्राई किया था, बट हम लोग उसको नहीं हरा सके क्योंकि उसके पास मतलब काफ़ी अच्छे पोकेमॉन्स थे। तो मैंने आज के एपिसोड में हम लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव तो ये होगा कि हम लोग विटनी को हराएंगे आई गेस, उसका नाम विटनी है। तो चलो देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको मेरी टीम में मतलब चेंजेस किए वो बता देता हूँ। मैंने माचैम को रिटर्न ले लिया और ऑब्स्टेगन को भी ले लिया है। आई डोंट नो इसको मैंने क्यों रखा है, बट मेरे को बस रखना था टीम में तो बस मैंने रख दिया। मैं इसको परमानेंट नहीं है, ऑब्स्टेगन को मैं टेम्प्ररी पर्पस के लिए रखा हूँ, बस इतना ही बताना चाहता हूँ। एंड मैंने जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने मेरे पोकेमॉन्स की बहुत सारी ट्रेनिंग कर ली है, मतलब लेवल अप में ग्राइंड कर लिया है। एंड ये सब जब मैं कर रहा था मतलब पोकेमॉन्स के लेवल ग्राइंड कर रहा था, तो मेरे को दो अच्छे पोकेमॉन्स मिले थे जिनको मैंने पकड़ लिया। दो नहीं एक्चुअली चार मिले थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये पॉपलियो का जस्ट लाइक थर्ड एवोल्यूशन, फिर लाइकनरॉक मिला था, फिर रेजी आइस मिला था, एंड हुपा भी मिल चुका है गाइज। मैंने दो लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ लिए। तो गाइज़ अभी आप मुझे बताना, मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना कि क्या मुझे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को मेरे टीम में रखना चाहिए, एंड अगर रखना चाहिए तो किसको रखूँ, रेजी आइस को या फिर हुपा को। एंड एक और क्वेश्चन है मेरा, आप लोग मेरे को उसका आंसर सही सही बताना। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि गाइज हुपा का एक और फॉर्म आता है ना, हुपा अनबाउंड करके, तो गाइज हुपा अनबाउंड मैं इस गेम में कैसे मतलब एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब क्या उसके लिए कोई अलग से स्टोन इसको होल्ड करने के लिए देना पड़ेगा, या फिर आई डोंट नो कैसे। अगर आपको कुछ भी नॉलेज है इस बारे में तो मुझे कमेंट में बता देना। एंड आप लोग कमेंट्स करते हो, दैट्स व्हाई मतलब यार बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हो एंड मुझे मोटिवेट करते हो। एंड मतलब स्टोरी जब आपने स्टोरी पे कमेंट्स किया था तो उससे मतलब मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा था कि ये मैंने गलती से क्या कर दिया, बट आप लोगों ने मेरे को समझ के लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइज। मतलब यार सच्ची आई लव यू गाइज, मतलब बस इतना ही बोलना यार, मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो चलो बहुत बकबक हो गई, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को, नहीं तो आप वीडियो स्किप करोगे। चलो कोई बात नहीं, मैंने इन सबको हरा दिया तो हम लोगों को वैसे भी कोई डरने की बात नहीं। हम लोग सीधा जाके, इसका नाम क्या है, इसका नाम मैं भूल गया था, लेट्स सी विटनी या फिर जैस्मिन, इसका नाम आई गेस विटनी था ओके विटनी, मैं स्टार्टिंग में जैस्मिन बोला था। लेकिन चलो बैटल स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो कि इसके पास इसके पास विग्लिटफ तो था, इसकी पूरी टीम मेरे को नहीं पता। मतलब लास्ट एपिसोड में मैंने जब इसके साथ बैटल की थी तब मैं हार गया था काफ़ी बुरी तरीके से, और मेरे को इसकी पूरी पोकेमॉन्स की टीम नहीं पता। बट या चलो हम लोग ट्राई करेंगे इसको इस बार हराने का। सबसे पहला एक विग्लेटफ है जो कि फेरी है, नॉर्मल टाइप है, तो हम लोग मेटाग्लॉक का यूज़ करेंगे जो कि काफ़ी अच्छा डैमेज दिया। ओके इसके पास सिट्रस बेरी थी, अरे यार इसने लवली किस कर दिया, मेरे डुरालोडॉन को सुरा दिया, कोई बात नहीं। आई गेस उसने प्लेयर ऑफ भी यूज़ कर लिया, जल्दी उठ जा ब्रो। ओके मतलब हम लोगों ने डुरालोडॉन उठ के मतलब हमारा डुरालोडॉन उठ तो गया, बट इसको बहुत बुरा डैमेज पड़ चुका है। अभी मिल टैंक आ रहा है, मिल टैंक करने के लिए जस्ट लाइक मिल टैंक को हराने के लिए मैं यूज़ करूँगा। अब आई डोंट नो ऑब्स्टेगन को क्यों भेजा, क्योंकि इसके पास एक अच्छा फाइटिंग टाइप हमला है जो कि ऑब्स्टेगन फाइटिंग टाइप के सामने 4 times वीक है, ये मेरे को पता है, बट मैं फिर भी एक काइंड ऑफ ऐसा
गैम्बलिंग करने के सोच रहा हूँ। वेट, मैं इसको आगे रख के डोराडोन को हील कर लूँगा, जिससे कि आई नो ये अभी ख़त्म हो जाएगा। आई नो ब्रो, सॉरी, तेरे को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ मैं, बट अरे यार इसको हील कर लिया गलती से मैंने। ओके, एक और चांस भी दिया उसने हमको। ओके यार, गलती से मैंने ऑब्स्टेगन को हील कर लिया था, बट ठीक है, मैं चाहता हूँ तो फेंटो गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बहुत सॉरी, मतलब मैं तेरे को यूज़ कर रहा हूँ, बट आई एम सो सॉरी यार, नहीं तो डोराडोन को कैसे हील करता। रॉक स्मैश यूज़ करेंगे अभी हम लोग। बॉडी स्प्रे इसके सामने सुपर इफेक्टिव अटैक है आई नो, क्योंकि ये तो है स्टील टाइप ही ना। ओके, मैंने इसका डिफेंस गिरा दिया है, लेफ्ट ओवर है इसके पास, कोई बात नहीं। मेल्ट ड्रिंक पी ले पी ले, मैं तेरा डिफेंस गिरा दूंगा हर, मतलब इसके साथ हर एक मूव के साथ। ओके, अभी नहीं गिरा। ओके, एक और मेल्ट ड्रिंक, कोई बात नहीं, हमारे पास भी रॉक स्मैश बहुत सारे हैं। एक और बार मैंने इसका डिफेंस गिरा दिया है, एक और मेल्ट ड्रिंक। ओके ओके, नाइस नाइस, यही चाहिए मुझे और कुछ नहीं। अभी अटैक मत कर, बस एक और मेल्ट ड्रिंक कर ले यार। सही है सही है, ये सही में जा रहा है मेरे को, मतलब आई गेस मैं एक अटैक में इसको हरा दूँ। आई गेस ये अभी फिर से मेल्ट ड्रिंक करेगी या फिर अटैक करेगी, क्या लगता है आपको? मेल्ट ड्रिंक करेगी, ऑब्वियस ही बात है, ये सेफ खेलना चाहती है, बट डोंट वरी, तू हार गई है। क्रिटिकल हिट लगी, नाइस। एंड गाइज, डोराडोन को एक अटैक मैंने सिखाया है लेज़र फोकस करके, जिससे क्या होता है कि अगर हम लोग वो अटैक कर लेंगे तो उसका नेक्स्ट अटैक क्रिटिकल हिट होगा। आई मीन लेज़र फोकस अगर मैंने कर लिया और उसके बाद अगर मैंने कोई भी मूव यूज़ की पोकेमॉन की, मतलब इसके डोराडोन की, तो वो क्रिटिकल हिट होगी, जो कि काफ़ी अच्छा अटैक है। अगर आपको इस अटैक के बारे में पता है तो मुझे बताना कि अटैक कौन कौन से पोकेमॉन खुद से सीखते हैं। डोराडोन तो सीखता ही है, बाकी और कोई पोकेमॉन है क्या जो खुद से सीखता है? ओके, अभी इंडीडी आ रहा है, इंडीडी के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इंडीडी एक साइकिक एंड नॉर्मल टाइप है, तो आई गेस हम लोग यूज़ करेंगे, किसको यूज़ करूँ यार इसके सामने? चलो एक काम करते हैं, नहीं साइकिक टाइप है तो मैं विनोसोर नहीं भेज सकता, वो साइकिक टाइप हमला करके हरा देगी, इसको ही रखेंगे डोराडोन को। लेट्स सी, कोई अटैक ज़्यादा मैं यूज़ भी नहीं कर सकता, बट चलो ट्राई करते हैं। रॉक स्मैश इसके सामने नॉर्मल, चलो ट्राई करेंगे। ओके, इसको मिस्टिकल स्पेशल अटैक गिरा दिया, सीरियसली? मैंने इसको डैमेज तो अच्छा खासा दे दिया है और इसका डिफेंस भी गिरा दिया है। साइसॉक यूज़ कर लिया इसने, एंड ओके पोकेमॉन मेरा डोराडोन फेंट हो चुका है, बट अभी हम लोग ड्रैकोल्स का यूज़ करके इसको फेंट कर देंगे। हम लोगों को स्टार्टिंग में एक हिट होगा, बट कोई बात नहीं, हमारा स्टॉम्प इसको आराम से ले लेगा, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डिफेंस लो कर दिया था, मतलब डोराडोन की मदद से। अभी आ रहा है ड्रम्पा, ड्रम्पा एक ड्रैगन एंड आई गेस नॉर्मल टाइप है, तो हम लोग उसके लिए माचैम का यूज़ करेंगे। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बोला था गाइस कि इसके सामने मेरे को माचैम की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, मैं इस चीज़ के लिए बोल रहा था। देख सकते हो वन शॉट किल कर सकता है मेरा बाकी पोकेमॉन्स। ओके, इसका स्पेशल अटैक बढ़ गया है, बट पैरालाइज भी हो चुका है यार। नहीं प्लीज़, अभी तू पैरालिसिस की वजह से हारना मत यार ब्रो, प्लीज़। ओके फाइनली, मेरे को बहुत डर लग रहा था, बट हम लोगों को अभी वीगोराथ आ रहा है, वीगोराथ को हराने के लिए मैं किसको यूज़ करूँ? आई गेस विनोसोर, इसका आखिरी पोकेमॉन है तो मेरे को डरना भी नहीं चाहिए, बट चांसेस नहीं ले सकते ना। सबसे पहले हम लोग ओके बल्कअप कर रहे हैं, आई मीन अटैक और डिफेंस बढ़ा रहे हैं, बट हम लोग फिर से वही यूज़ करेंगे। ओके स्लैक ऑफ, बट मैं तो ये स्पेशल अटैक मूव है ना, तो उतना ही डैमेज तेरे को पड़ेगा, एंड चांसेस ये कि मतलब कि तू पॉइजन भी हो सकता है स्लज बॉम्ब से। ओके, इसका लक अच्छा है, नहीं तो मैं इसको ओके स्लैक ऑफ ज़्यादा नहीं रहता है, आई गेस 10-12 बार यूज़ कर सकता है, आई गेस ये अभी 5 बार यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई गेस ये इसका 4th बार था, ये इतनी डिफेंस में क्यों खेल रही है? ओके, पॉइजन भी हो चुका है, नाइस। ओके, स्लैक ऑफ के ऊपर स्लैक ऑफ करे जा रहा है, वेट में इसको लीड सेड भी कर दूंगा, मतलब थोड़ा और एक्सपीरियंस लूंगा मैं इससे, आई मीन एचपी लूंगा इसकी, एंड अभी तो आई गेस मेरा काम हो चुका है, ये तो अभी खुद ही फेंट हो जाएगा, या फिर चलो इसको हम लोग एक बार पेटल डांस का जिस लाइक ये चटाते हैं कैसा है ये। बहुत बुरा हाल है विगोराथ के, मतलब पॉइजन से भी हर्ट हो रहा है,
साथ साथ ओके इसने पैरालाइज कर दिया, बट डोंट वरी ब्रो, पेडल डांस एक और बार हिट होगा और वी गोरथ को हम लोगों ने काफ़ी इजीली हरा दिया है, एंड इसी के साथ हम लोगों ने विटनी को भी हरा दिया है। देखते वो क्या बोलती है, इन माई यंगर डेज आई वुडन टेक अ लॉस लाइक दैट वेरी वेल, बट आई एम एक्चुअली क्वाइट हैप्पी विथ माई सेल्फ एज इट्स क्लियर यू आर स्ट्रॉन्ग ट्रेनर, आई वुड लाइक टू हैव दीज। ओके मोमो मिल्क्स मिले हम लोगों को, हेल्दी ड्रिंक स्ट्रेट फ्रॉम माई मिल्क टैंक, ओके थैंक यू, आई होप योर पोकेमॉन एंजॉय इट, ऑल्सो हियर वन ऑफ माई फेवरेट आइटम्स इविलॉइड, ओके अ मिस्टीरियस इवोल्यूशनरी लम्प, इट रेजेस द डिफेंस एंड स्पेशल डिफेंस ऑफ अ पोकेमॉन दैट कैन इवॉल्व, ओके इसका यूज़ ये होता है, ये मेरे को बहुत बार मिल चुका है बट मेरे को इसका यूज़ नहीं पता था, बट अभी पता चल चुका है। इवोलाइट बूस्ट द डिफेंस ऑफ पोकेमॉन दैट कैन स्टिल इवॉल्व, इट हैज़ एन एडेड फंक्शनैलिटी वेर इट प्रिवेंट्स इवोल्यूशन टू फॉर योर कन्वीनियंस, ओके गाइज मतलब इवोलाइट का ये यूज़ होता है कि मतलब वो है एवरस्टोन जैसा ही, बट वो साथ साथ अपने पोकेमॉन को मतलब जस्ट लाइक डिफेंस और स्पेशल डिफेंस भी बूस्ट कर देता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो दैट मीन्स अगर आपको कोई भी पोकेमॉन अपना इवॉल्व नहीं कराना तो आप लोगों को बस उसको इवोलाइट होल्ड करने दे देना है, जिससे कि आपके पोकेमॉन इवॉल्व भी नहीं होगा एंड साथ साथ उसका डिफेंस भी मतलब स्ट्रॉन्ग होगा और स्पेशल डिफेंस भी स्ट्रॉन्ग होगा। ओके इसका यूज़ ये होता है, इट्स अ ग्रेट इफ़ यू लाइक कीपिंग देम एडोरेबल, ओके एनी वे आई नीड टू बाउंस टू मैनी क्रिप्स ऑन दिस रूट, ओके यार ये कैसी बात करके जा रही है बट ठीक है, आई होप वी सी इच अदर सून। ओके अभी हम लोगों ने इसको तो हरा दिया, अभी सबसे पहले हम लोग उड़ के चले जाएंगे हमारे रिटर्न, ओके मोमो मिल्क मिल चुके हैं, हम लोग पोके राइडर का यूज़ करके रिटर्न जाएंगे वर्मेलियन सिटी, एंड आई गेस हम लोगों को कुछ तो करना है, आई गेस हम लोगों को अभी हाँ मुझे पता है क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को पोकेमॉन हील करना है, एंड पोकेमॉन हील करने के बाद हम लोग फिर से उड़ के जाएंगे किधर तो मैं आपको बताता हूँ। आज के एपिसोड में हम लोगों को आई गेस वो रॉक टनल थी ना वहाँ पे उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं होपफुली, पहले तो पोके राइडर कौन करेंगे, एंड हम लोगों को यहाँ पे जाना पड़ेगा सर्विलेंस सिटी में, क्योंकि गाइस अगर आपको याद होगा वो टीम रॉकेट मेंबर को हराने के बाद हम लोग थोड़ा लेफ्ट जा लेफ्ट नहीं वो कौन सी देख लेता हूँ मैं, हम लोगों ने अगर आपको याद होगा हम लोगों ने जब यहाँ पे टीम रॉकेट के मेंबर को हरा दिया था तो उसके बाद से हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते थे, बट उस टाइम पे हम लोग कट यूज़ नहीं कर सकते थे लेकिन अभी कर सकते तो हम लोग करेंगे, एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग के टाइम पे मैं इन लोगों को हरा चुका हूँ, क्योंकि पोकेमॉन्स को वाइल्ड पोकेमॉन्स के साथ बैटल कराने में बहुत टाइम लग रहा था, तो दैट्स वाई मैंने इनके साथ बैटल कर लिए, जिसके आप देख सकते हो ये लोग अभी मेरे से बैटल नहीं करेंगे, बट मैंने सबको नहीं हराया, मैंने यहाँ तक को हरा दिया था, इसको भी हरा दिया हूँ, और यहाँ पे थोड़े से वाइल्ड पोकेमॉन्स ट्राई कर रहा था, यहाँ पे ही मेरे को ऑब्स्टेकल मिला था जो कि कुछ काम का नहीं है, मतलब नहीं काम का था वो है, उसने सेक्रीफाइस दिया खुद का एंड मतलब उसका सेक्रीफाइस वेस्ट नहीं गया गाइस। ओके यहाँ पे एक और बैटल आ रही है तो चलो देखते हैं, मतलब ये देखना ही पड़ेगा ना और क्या कर सकते हैं। ओके एक लिलीप, ओके 28 लेवल का ही है यार, 28 लेवल इतना लेवल कम क्यों आ रहा है यहाँ पे, आई गेस मेरे को ये प्लेस पहले एक्सप्लोर करनी चाहिए थी बट कोई बात नहीं। ऑडिनो रॉक स्मैश बहुत कम ले, ओ ये सर्वाइव कर गई, इसका डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है मानना पड़ेगा फिर तो, एंड अभी भी आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो लेवल है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, दैट मींस जो मेरे को एक्सपीरियंस मिल रहा है वो अभी भी एक एक ही मिल रहा है, दैट मींस अभी भी मतलब आई गेस मेरे को एरिका को हराना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग मे बी कुछ ना कुछ कर सकते, ये लेवल लॉक खुलेगा बट देखते हैं क्या करना है हम लोगों को आगे। यहाँ पे हिडन आइटम चेस्टोबेरी, ये अंकल के साथ मेरे को बैटल नहीं करनी तो हम लोग नहीं करेंगे, एंड हम लोग इसको भी अवॉइड कर सकते हैं, जस्ट हम लोगों को यहाँ से आना है, एंड यहाँ पे एक डेन है, मैं डेन को ट्राई करूँ क्या, हाँ ट्राई करते क्योंकि वैसे भी अगर हम लोग डेन बैटल करेंगे तो हम लोगों को उसके रिटर्न में बहुत सारे अच्छे अच्छे आइटम्स मिलते हैं। यहाँ पे ईथन क्या कर रहा है, चलो ईथन के साथ बैटल करेंगे हम लोग, हमारे सबसे पहले तो यूज़ करेंगे ड्यूरालोडॉन को, एंड गाइस मैंने आपको ये बात बताई कि नहीं बट मैंने डिसाइड मतलब मैंने जो डिसीजन लिया था चैरिज़ार्ड के बारे में वो मैंने चेंज कर दिया है, मैं मेरे चैरिज़ार्ड को चैरिज़ार्ड वाई में इवॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि देखो गाइस मैं चाहता हूँ कि मेरा चैरिज़ार्ड का स्पेशल अटैक ज़्यादा है, तो दैट्स वाई ये मैंने इसका नेचर भी चेंज किया था, एंड चैरिज़ार्ड वाई का स्पेशल अटैक ज़्यादा होता है और चैरिज़ार्ड एक्स का फिजिकल अटैक ज़्यादा होता है, सो अभी तो इसका स्पेशल अटैक ज़्यादा है ना, तो मैं ऑब्वियसली बात है इसको चैरिज़ार्ड वाई में इवॉल्व करूँगा तभी जाके इसका स्पेशल अटैक काम आएगा, मतलब आई होप मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। चलो देखते हैं हम लोग ये तीन पोकेमॉन यूज़ करेंगे डन में,
कौन सा पोकेमोन आ रहा है? एक ओरी कोरी ओके है, इसके पास इमुलगा है, एक डायनामैक्स या फिर जैगंटामैक्स ओरी कोरियो लेवल 28 का, ये तो ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली। चलो लेज़र फोकस कर लेते हैं, जिसके बाद हमारा अभी क्रिटिकल हिट बैठने वाली है इसको। स्पेशल अटैक गिरा के फ़ायदा क्या है? मेरे पास स्पेशल अटैक मूव ही नहीं आई गैस, है भी तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा की बात नहीं है। ओके देखते हैं क्या क्रिटिकल हिट बैठेगी। देखा गाइस, मैं जैसे कि बात कर रहा था, क्रिटिकल हिट बैठती है यार, काफ़ी अच्छी बात है। बहुत मतलब काम आ सकता है ये मूव, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी स्पीड गिरा दी, बट कोई बात नहीं। मैं रॉक स्मैश क्यों कर रहा हूँ? लेज़र फोकस फिर से, एंड अभी फिर से हम लोग रॉक टॉम करेंगे, जिससे कि हम लोग इसको काफ़ी इजीली हरा देंगे आई गेस। अरे यार, टीटर डांस कर दिया इसने, कंफ्यूज हो गया मेरा पोकेमॉन, मतलब दोनों पोकेमॉन कन्फ्यूज हो गए, बट ठीक है कोई बात नहीं। वो खुद भी नहीं कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, ट्राई करेंगे हम लोग कुछ ना कुछ। ओके खुद को ऐड नहीं करता मेरा पोकेमॉन, एंड ये लोग गाइस क्रिटिकल हिट एक और, एंड ये हार चुकी है काफ़ी इजीली, मेरे को नहीं पकड़ना इसको। हम लोगों को दो क्विक बॉल्स मिले, चार अल्ट्रा बॉल्स मिली, ये क्या है कसिब बेरीज, क्या लिखा है? इफ़ हेल्ड रेड्यूस डैमेज टेकन फ्रॉम सुपर इफेक्टिव कोस्ट मूव्स। ओके येल्लो शार्ट्स मिली, स्टार पीस भी मिला, नगट भी मिला ओके, और लक्सरी बॉल भी मिल चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये रहा पोकेमॉन सेंटर, यहाँ पे एक बार पोकेमॉन हिल करेंगे, एंड देन हम लोग सीधा बैटल नहीं करेंगे, रॉक टेल में जाएंगे। बट यहाँ पे आप लोगों को तो पता चल ही गया था, मेरे को फ्लैश HM मिला नहीं था लास्ट एपिसोड में। तो गाइस मैं बोल रहा था कि लास्ट एपिसोड में, अगर आपने देखा रहेगा लास्ट एपिसोड, तो वहाँ पे मेरे को फ्लैश HM मिला नहीं था, तो दैट मीन्स हम लोग, क्या पता हम लोग यहाँ पे फ्लैश यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। ओके ये गेम में ऑटोमेटिकली फ्लैश हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यार मेरे पास रिपल्स तो होने चाहिए, नहीं होंगे तो दिक्कत की बात है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को आज के एपिसोड में ये टनल को भी पार करना है। वेट में रिपल्स के लिए एक बार चेक कर लेता हूँ, 10 ही है यार, 10 बहुत कम रिपेल है रॉक टनल को पार करने के लिए। ओके 11 हो गए अभी मेरे पास, बट ठीक है वेट करो, मतलब देखते हैं हम लोग ये 10 रिपल को कितना खींच सकते हैं। एंड यहाँ पे मेरे को रास्ता पता है, मतलब शॉर्टकट पता है मुझे कि हम लोगों को क्या क्या यूज़ करना है, मतलब कौन से रास्ते यूज़ करने हैं, कि मैं मोस्टली अटैक्स अवॉइड करूँ, अटैक मतलब बैटल्स अवॉइड करूँ, बट ठीक है देखते हैं। यहाँ पे अभी भी मेरा जो लॉक है एक्सपीरियंस लॉक अभी भी है, हटानी है, बट ठीक है आई गेस वो तभी हटेगा जब मैं एरिका को हराऊँगा। मैं बहुत बुरी तरीके से हराऊंगा एरिका को, क्योंकि मेरे पास चारिज़ार्ड है गाइस, आप लोगों को तो पता ही है ना चारिज़ार्ड कितना ओपी पोकेमॉन है। ओके यहाँ पे इतने भी वाइल्ड पोकेमॉन्स नहीं है, नहीं तो कुछ गेम में है ना, मतलब दो कदम चले नहीं कि वाइल्ड पोकेमॉन्स आ जाते हैं, बट यहाँ पे इतने भी नहीं है। ओके मतलब थोड़े बहुत तो होंगे ही ना, ऑब्वियस ही बात है। यहाँ पे इसके साथ भी बैटल करनी पड़ेगी, ठीक है एक ही पोकेमॉन है, ब्यूटीफ्लाई, नाइस। लेवल इनके बहुत सारे कम है आई गेस, मेरे को है ना, आई गेस मेरे को पहले यहाँ पे आना था क्या, कि मैं बराबर हूँ गाइस, मेरे को बताना कि मेरे को यहाँ पे पहले आना था कि मैं अभी बराबर आ रहा हूँ, नहीं तो इनके पोकेमॉन्स के लेवल बहुत कम है, आई डोंट नो वाई, बट ठीक है, या फिर मेरे पोकेमॉन के लेवल थोड़े ज़्यादा ही है। एक रियोलू रॉक्स मैस यूज़ करेंगे, यार डुरालोडोन ओपी है, बहुत ओपी है। वीनसौर, मैं सबके साथ बैटल करूँगा, ऐसा भेदभाव नहीं करता मैं, एंड स्लज बॉम इसके सामने सुपर इफेक्टिव होगा, दैट्स वाई मैंने इसको ले लिया था एक्चुअली, बट या वेट अभी मैं आई गेस ये क्या कर रहा हूँ, मैं रिपेल यूज़ कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे हम लोग बैटल्स अवॉइड करेंगे। मेरे को यहाँ पे बैटल करनी पड़ेगी आई गेस, किसके साथ करूँ, यहाँ पे ऊपर एक और है, इसके साथ कर लेते हैं, दो ही पोकेमॉन, टेलो ओके। टेलो को हराने के लिए मैं किसको आगे रखूँ आई गेस, चलो ड्रोलोडॉन के साथ ही बैटल करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मैं कभी कभी कुछ भी बोल देता हूँ, जैसे आप लोग उसको इग्नोर करो ओके। इसको हराने के लिए चारिज़ार्ड को आना पड़ेगा,
क्योंकि ये ग्रास टाइप है और फेरी टाइप है। फ्लेम बस्ट मेरा सबसे ओपी अटैक है अब तक का, क्योंकि इसका पावर ज़्यादा होता है मेरे कोई भी फायर टाइप हमले से, मतलब मेरे चैरिजार्ड के कोई भी फायर टाइप हमले से इसका ज़्यादा है। आई नो फ्लेम थ्रोअर भी सिखाना पड़ेगा इसको, बट मैं सिखाऊंगा बहुत जल्दी, डोंट वरी गाइस। यहाँ पे भी अगर हम लोग इसको हरा देंगे तो आई गेस इसके पास ज़्यादा पोकेमॉन आने वाले हैं, मुझे लगा ही था। एक सैंडा कोंडा, लेज़र फोकस। ओके ये डिग कर रहा है यार, नहीं अगर ये डिग कर रहा है तो मैं कोई ऐसा पोकेमॉन रखूँगा जो कि फ्लाइंग टाइप है, तो इसके सामने अर्थक्वेक आई गेस इफेक्ट नहीं करेगा। यस फ्लेम बस्ट, ग्लेयर, अरे यार पैरालाइज कर दिया। क्यों ब्रो क्यों, क्या दिक्कत है तुझे? ये कुछ ओके, ये वही पोकेमॉन है गाइस जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे थे। ये कोई तो गलार रीजन का लेजेंडरी पोकेमॉन है, मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना, बट या मेरे को ये मिला भी था बट मैं उस टाइम इसको पकड़ने की ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे पता नहीं था। वो तो आप लोगों ने बाद में मेरे को कमेंट में बताया कि ब्रो ये तो लेजेंडरी पोकेमॉन है, तुझे पकड़ना चाहिए था। मेरे चैरिजार्ड हार गया यार इसके सामने। डोरालोडॉन आई गेस तू कर सकता है कुछ, ये प्रॉपर इलेक्ट्रिक टाइप है तो इसको हराने के लिए मेरे को सिर्फ ग्राउंड टाइप हमले यूज़ करने पड़ेंगे, बट कोई बात नहीं हम लोग बाकी के भी हमले यूज़ कर सकते हैं। और ये दिखने में थोड़ा अजीब ही पोकेमॉन है, आई नो ये रेजी, मतलब रेजी आइस, रेजी रॉक, रेजी स्टील, इनके कोई तो भाई बंधु में से कोई एक होगा, बट फिर भी यार थोड़ा अजीब ही है। मैं बस मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, आप लोग बताना कि आपको ये कैसा लगता है पोकेमॉन। एक लिकी लिकी ओके है, ये प्रॉपर नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, मतलब लिकी डंग का ओके डिसेबल कर दिया मूव। मेडल क्लॉ से हरा दूंगा, उसमें क्या है। वेट मेरे को सबसे पहले मेरे चैरिजार्ड का पैरालिसिस हटाना है क्योंकि वो बहुत मतलब अजीब लगता है यार पैरालिसिस हरा। ओके मेरे पास सात सात पैरालाइज, वेट ये फेंटी हो चुका है मेरा पोकेमॉन। मेरे पास रिवाइव है क्या, मैंने ख़रीदा था आई गेस। रिवाइव नहीं है, रिवाइव नहीं है मेरे पास। ओके कोई बात नहीं, आई गेस ज़्यादा बैटल्स नहीं है अभी हमारे पास। ओके एक और रिपल यूज़ कर लेंगे। एंड ये अगर वो जो आप लोग देख सकते हो ये, इसको आपको बैटल अवॉइड करने तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। एंड अभी हम लोगों को बहुत, एक मिनट ये लॉक क्या है, ओ माय गॉड यहाँ पे वो तो, ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन है ना, वो फाइटिंग टाइप होता है, मुझे पता है इसका नाम नहीं याद बट या मुझे पता है। यहाँ पे हम लोगों को मैक्स ईथर मिला, इसके साथ भी बैटल करनी पड़ेगी। ओके कर लेते हैं, बट मेरा यार चैरिजार्ड फेंट हो गया, उस लेजेंडरी पोकेमॉन ने मेरे चैरिजार्ड को फेंट करा दिया। ओके रिला बूम, अभी मेरे को चैरिजार्ड की बहुत ज़रूरत थी बट कोई बात नहीं। लेट्स यूज़ लेज़र फोकस सबसे पहले तो, जिससे कि हम लोग इसको अभी क्रिटिकल हिट यूज़ करेंगे। लेट्स यूज़ रॉक स्मैश, क्रिटिकल हिट भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई इसका यार। रॉक टॉम ओके, स्पीड तो गिरा दी मैंने इसकी। एंड एक रिलाबूम एरिका के पास भी होने वाला है जो कि मेरे को पता है बहुत स्ट्रांग होगा, बट ट्राई करेंगे इसको हराने का। एंड वैसे भी हम लोग हरा देंगे आई गेस, क्योंकि ये इजी में खेल रहा हूँ तो ये उतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं होने वाली एरिका, जो कि मैंने पहले खेली थी वो एरिका तो भाई अलग ही लेवल पे थी, मेरे लीग के बाहर थी वो एरिका। बट हम लोग इस बार एरिका को ईजिली हरा देंगे, आई मीन मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ बट हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं इसको हरा दूँगा। ओके ये यार ये लॉक कब खुलेगा क्या पता, बट आई गेस एरिका को हराने के बाद ही खुलेगा। यहाँ पे कुछ है क्या, ऊपर डन है बट हम लोग अवॉइड करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी बैटल्स आ रही है बट ठीक है यार करनी पड़ेंगी। लिली पीप ओके, मेडल लॉ अगेन। एंड कौन सा पोकेमॉन है इसके पास, एक मॉनफेरनो, मॉनफेरनो के लिए रॉक टॉम भी काफ़ी है। ए वेट रॉक टॉम यूज़ कर रहा हूँ बट ये सुपर इफेक्टिव क्यों नहीं है, फायर टाइप है सामने वाला पोकेमॉन तो। अच्छा आई गेस फाइटिंग टाइप है दैट्स व्हाई।
क्या पता कुछ भी हो सकता है, लॉजिक तो कुछ भी हो सकते हैं गेम में। हाँ यार फाइटिंग टाइप है, दैट्स वाई वो उसकी फायर टाइप की वीकनेसेस हटा दी। ओके पॉलीवैग को हम लोग ड्रैकोल्ड्स को यूज़ करेंगे, ये मेरा स्टार्टर पोकेमोन है, इसको मैंने आज के एपिसोड में एक भी बार यूज़ नहीं किया, तो क्यों ना अभी यूज़ करें। ओके वन शॉट किल, नाइस। होपफुली मैं आगे वाले बैटल को अवॉइड कर सकूँ। ब्रो प्लीज़ देखना मत। ओके थैंक यू ब्रो, इनको तो ईजिली बच्चे की तरह ऐसे डॉच कर सकते हम लोग। एक और यूज़ कर लेंगे, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके आयरन टेल मिला मेरे को, एंड ये हमारी आखिरी बैटल होगी, इसके बाद हम लोग रॉक टनल को पार कर लेंगे ईजिली। म्याउ तो ओके, रॉक स्मैश। एनिमेशन तो काफ़ी अच्छा था बुलेट पंच का, बट कुछ कर नहीं पाया हमारे सामने। डुरारोडोन की जो टाइपिंग है ना वो गाइस बहुत ओपी टाइपिंग है, मतलब आई मीन मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ कि इसकी जो टाइपिंग है ना वो काफ़ी अच्छी है, आप लोगों ने भी मेरे को बता के रखा था। नॉकटाउल के लिए भी हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। ये तो भाई मतलब जोटो रीजन का पोकेमॉन है, पता है अगर मैं जोटो रीजन की टीम बनाऊँगा ना तो ये पोकेमॉन उसमें ज़रूर होगा, क्योंकि ये ऐश के पास भी था। मतलब मेरा ये फेवरेट पोकेमॉन तो नहीं है, बट ये मेरे टीम में होगा अगर मैं जोटो रीजन का कोई गेम खेल रहा हूँ तो। क्योंकि होता क्या है गाइज, नॉकटाउल स्लीप भी करा सकता है ना, मतलब इसके पास हिप्नोसिस करके अटैक होता है जो कि सुला सकता है किसी भी पोकेमॉन को। ओके फैकेड मिला हम लोगों को, यहाँ पे हिडन आइटम है ननाब बेरी। ओके आई डोंट नो इससे होता क्या है बट ठीक है यहाँ पे। ओके इसके साथ आई गेस बैटल करनी पड़ेगी मेरे को, रिपेल अभी क्यों यूज़ किया यार। ओके बैटल करनी पड़ेगी। वेट वेट वेट, इसको इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे मेडल क्लॉ को। आई नो मतलब स्टॉप पिकल यूज़ कर रहा है ये। एक और स्टॉप पिकल, आई गेस डिफेंस भी रेज हो जाता है क्या। अच्छा स्पेशल डिफेंस भी रेज हो जाता है। ओके मेरा अटैक और स्पिट अप, ओके ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ओके हरा दिया। एक वो बैट ड्रैकोल्ड्स को फिर से बुलाएंगे हम लोग। थंडर शॉक एंड बाय बाय। ओके हम लोगों ने इसको भी काफ़ी इजीली हरा दिया। अभी हम लोग आ चुके हैं लेवेंडर टाउन में। सबसे पहले हम लोग पोकेमॉन को हील करेंगे। एंड वेट, आज का एपिसोड एंड करने से पहले मेरे को मतलब उत्कर्ष ने एक बात करने के लिए बोली थी, वो मैं करना भूल गया, सॉरी। रुक मैं अभी कर लेता हूँ। वो उसने मेरे को बताया था कि पोके राइडर का यूज़ करो एंड वहाँ पे जाओ एम्प्टी मून के पोकेमॉन सेंटर में, वहाँ पे एक बंदा मैजिक आप सेल करता है, बट बिकॉज़ ये गेम रैंडमाइज है तो यहाँ पे वो रैंडमाइज़र में मे बी कोई अच्छा पोकेमॉन भी हम लोगों को बेच सकता है, तो हम लोग वही ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग एक पोकेमॉन डिपॉजिट करेंगे, तभी मैं पोकेमॉन को परचेज़ कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल तो डुरालोडॉन को डिपॉजिट कर दिया है, ये टेम्प्ररी, मेरे को देखना है कि वो रैंडमाइज में कौन सा पोकेमॉन देगा। और ये गंजा भी हम लोगों को बेचेगा। हेलो देयर किड, हैव आई गॉट अ डील जस्ट फॉर यू। ओके आई विल लेट यू हैव अ सीक्रेट पोकेमॉन और मैजिक आप जस्ट फॉर 500 पोके डॉलर्स। ओके हाँ दे देख ले क्या करता है। हाँ व्हाट अ स्कोर, थैंक्स फॉर अ बिजनेस यू इडियट। हाँ देखते हैं मतलब मैं इडियट हूँ कि नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना कि मेरे को कौन सा पोकेमॉन मिला। ओके ये एक टॉर्चिक है। तो गाइज आई गेस मैंने मतलब उत्कर्ष तो मैंने तेरा जो क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया, मतलब तेरा क्वेश्चन का आंसर तो मैंने दे दिया। मेरे को यहाँ पे टॉर्चिक मिला जो कि डिसेंट पोकेमॉन है, बट वेट डिपॉजिट क्यों कर रहा हूँ, मेरे को अभी विद्रॉ करना है। हमारा कहाँ गया टीम मेंबर डुरारोडॉन, टीम का जस्ट लाइक एक हमारा काइंड ऑफ पिलर है यार। अगर मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता मेरी टीम विदाउट डुरारोडॉन, बहुत वीक हो जाएगी फिर तो। ओके गाइज आई होप आप लोगों ने आज का एपिसोड देखा रहेगा, एंड अगर आपको आज का एपिसोड देख के मज़ा आया तो इस वीडियो को एक लाइक करो, एंड चैनल पर नए आ गए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड सायोनारा।